सबसे बड़ा जो सिनर्जी जो है जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स एंड लो प्राइस पॉइंट्स वो है हमारी लॉन, जो अब इतने डिजाइनर्स उसके अंदर आ चुके हैं कि द बायर इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन. अगर आप देखें ना जी पाकिस्तान की अगर सक्सेस अगर आप खूब उसको गेज करना चाहें तो पाकिस्तानी कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है उसकी सक्सेस रहती है पाकिस्तान के अंदर, बाहर नहीं. हम लोग सबसे पहले अपने आप को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचें. 200 मिलियन बंदा है जी आपके पास और उसके अंदर से 50% जो है वो 35 की एज के नीचे है, यानी कि अभी उसके अंदर एक ताकत आ रही है, अभी उसके अंदर एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ रही है जो आगे बढ़ना चाह रहा है. आप उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाएं, उसको खुश करें, उसको अपना आगे वाला कस्टमर बनाएं और उसकी नेक्स्ट जनरेशन आपके पास आएगी. ये शायद पहले नहीं हुआ करता था मगर अब बहुत ज़्यादा चेंज है. अच्छा, अब चेंज आ रहा है. मैसिव चेंज. आई थिंक नाउ फैशन इज रेडली अवेलेबल फॉर द मिडिल क्लास एंड आई थिंक अब इवन द लोअर मिडिल क्लास के लिए भी प्रोडक्ट्स आर नाउ बीइंग डिजाइंड एंड बीइंग मेड. वॉल्यूम गेम बड़ी कमाल की गेम है मगर जहाँ रहती है बात कुटोर की, जो एक हाई एंड फैशन होता है जो वन ऑफ पीस बनता है, वो वॉल्यूम की गेम कभी नहीं बन सकती. उसका एक क्राफ्टी फर्क है. अब डिजाइनर्स की ट्रेनिंग तरह तरह की होती है. कुछ लोग जाते हैं जो वॉल्यूम्स की गेम्स स्कूल जाते हैं, जो होती है प्रेट-अ-पोर्टर या रेडी टू वेयर स्कूल्स में जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो है. क्योंकि मेरी डिग्री कुटोर में है और मैं समझता हूँ कुटोर में काम ही मेरा एक हैंडमेड कुटोर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है. दाद देता हूँ उनको जो अपने वो डिज़ाइन सबके लिए बना सकते हैं मगर मैं क्योंकि कुटोर बनाता हूँ मैं समझता हूँ कि उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है. बिकॉज वहाँ आप एक उस तरह के टांके और उस तरह की चीज़ें प्रिजर्व कर रहे होते हैं जो हमारी हिस्टोरिकली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमने अभी क्या देखा जो अभी कोरोना के वक्त हुआ, उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे जो बड़ी चीज़ लगी कि यार अगर इस वक्त दुनिया ख़त्म हो गई, अगर हर चीज़ हो गई, तो what will history say about Pakistan? What will the historical people who will look back 50, 60 years later remember about Pakistan? Yes, they will remember our fights, they will remember our textile industry perhaps, they will remember our beautiful buildings. Will they, वो हमारे टांके याद रखेंगे, वो हमारा क्राफ्ट याद रखेंगे, वो याद रखेंगे कि स्वाद से कौन सा टांका था, तो नीलम वैली से कौन सा था, तो हमारे मुल्तान से कौन सा था, वो क्राफ्ट हमने बचा के रखा हुआ है क्या. वो कलेक्टिव क्राफ्ट अगर जब हमारे आउटफिट के ऊपर आता है, हमने उसके ऊपर उतनी तवज्जो दे के दिखाया जितनी बाकी दुनिया में म्यूजियम्स बन चुके हैं ऑन टेक्सटाइल्स. वी म्यूजियम्स हमारे पास. आर वी एट सम स्टेज प्लानिंग सम काइंड ऑफ म्यूजियम? आई डोंट नो इफ एनीवनस प्लानिंग इट. आई वुड लव टू इफ आई गेट द राइट सपोर्ट, आई वुड लव टू. बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उतनी देर से जब से मैंने वापस खोला एवरी सिंगल वीक मैं कोई टांका लेता हूँ उसके ऊपर काम करके. हम लोग एटलीस्ट एक 4x4 1x1 कुछ करके बना के रखते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास ये एक कैटलॉग हो ऑफ टांकास ऑफ पाकिस्तान, डॉक्यूमेंटेड हो सब कुछ हमारे. इफ वी डोंट डॉक्यूमेंट आवर क्राफ्ट, इफ वी डोंट रिमेंबर आवर आर्ट एंड क्राफ्ट, वी आर नथिंग. बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ही वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को यहाँ तक लेके आई है और इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए. इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड इट शुड बी इनिशिएटेड बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ मीट, यू नो, कि अगर आप एक फैशन का म्यूजियम बना लेते हैं विच वुड बी अ वेरी डाइवर्स थिंग टू वर्क ऑन. डाइवर्स एंड सो पॉसिबल बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान आर सो ट्रेमेंडस. आई थिंक ये सोच शायद मुझे भी तब तक ना आती जब तक हम लोग एक पॉज ना लिया हो. बिकॉज मैं समझता हूँ हर बंदे की ज़िंदगी बहुत तेज़ गुजर रही है. सही. आप सुबह उठते हैं, स्केड्यूल होता है. आज हम आपका मेरा इंटरव्यू था और इवन तो आपकी मेरी पहली बात हुई थी. मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप उस रफ्तार के अंदर आप रुक के इर्द गिर्द देखना कि यार ये मेरा ही घर है, यार ये मेरे कपड़े हैं, अच्छा मैं सेहत भी मेरी ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है. अल्लाह का शुक्र करना, किसी चीज़ को देख के अप्रिशिएट करने के हम भूल जाते हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन नए दिनों के अंदर जो मैंने स्पेशल दिन गुजारे ना मैं सिर्फ ना अप्रिशिएट करूँ मगर किसी तरीके से अगर मैं उस इमोशन को, उस काम को, उस क्राफ्ट को, उस स्किल को किसी तरीके से बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊँ. HSYN ने फैशन में क्या नए ट्रेंड दिए आज से शुरू से? हाँ चले शुरू से कर लेते. कैसे बोलूँ अपने बारे में इस तरह? नहीं बोलें, बोलना चाहिए आपको, पता चले कि आपने क्या ट्रेंड सेट किए. देखिए जी, इंडस्ट्री नहीं थी, किसी को मालूम नहीं था कि ब्रांडिंग होती क्या है. सही. ब्रांडिंग शुरू ही हमने की. कहाँ थी ब्रांडिंग इससे पहले? कौन करता था? किसको अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रेजेंटेशंस की, शोज की? आजकल आप इंस्टाग्राम लगाए वीडियो पे वीडियो है. पहले वीडियो बनाने वाले ही हम थे जब लोग कहते थे वीडियो क्यों बना रहे हैं. वैसे मैं कहूँ कि अगर इंस्टाग्राम खत्म हो जाए तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी, आई वुड से बहुत सारे सेलिब्रिटीज गायब हो जाएंगे. बट
हमने उसको रेगुलेट किया. एक मैं बहुत से डिजाइनर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ कि बड़े लोगों ने काम किया, मगर एम्बिशन जो होती है ना जी, उसको भी इंट्रोड्यूस करना बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी चीज. इट्स अ बिग थिंग एंड आई थिंक इफ आई इंट्रोड्यूस्ड एनीथिंग आई टॉट पीपल दैट एम्बिशन इज ओके, दैट टू वर्क हार्ड फॉर योर एम्बिशन इज ओके, टू वांट टू अचीव एंड बी बेटर देन द नेक्स्ट पर्सन एंड बी ओके विद इट इज ओके, टू टेक पाकिस्तान्स ब्रांड मेड इन पाकिस्तान एंड टेक इट इंटरनेशनली इज गुड. एंड इफ आई कैन टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग इज दैट आई फील दैट आई वाज इंस्ट्रूमेंटल and helping take shows internationally at a time where people jo pakistan ko sukat tak dekh bhi nahi rahe the. uske baad se ji maine kabhi ye nahi socha ki main pehla cheez kya kar raha hu, main wo cheez karta hu jo mere liye achhi mujhe achhi lagti hai. maine samajha ki zindagi mein koi agar mere janne ke baad yaad karega ki hasan ek bahut acha designer tha, wo yaad rakhenge hasan ek acha insaan tha ya nahi acha insaan tha. aapke akhlaq hi aapko define karega ki meri uske sath achhi mulaqat thi ya mere sath achhi mulaqat nahi thi. unko koi farq nahi padna ki maine 34 awards jeete hain ya maine queens and kings ko kapde pehnaye hain. aajkal to प्रिंसेस भी आपको आके मिल जाए दूसरे दिन को याद नहीं रखता. सही केयर्स अबाउट दीस थिंग्स. मगर मेरे पास ये जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें मैंने बहुत सी चीजें करनी है. बिकॉज अखलाक तो मैं कोशिश करूंगा मेरा अच्छा रह ही रहे, मगर साथ साथ एक्सपीरियंसेस में मेरे बहुत इनरिच्ड रहे. अगर मैं फैशन कर रहा हूँ तो मैं करूंगा, डायरेक्शन कर रहा हूँ करूंगा, रेडियो शो कर रहा हूँ करूंगा, टॉक शो कर रहा हूँ करूंगा, मूवीज करूंगा, टेलीविजन करूंगा. मेरा ख्याल है कि दुनिया में पहचान है फैशन की HSY का नाम. थैंक यू. कितनी इंटरनेशनल पर्सनालिटी इसने आपके कपड़े पहने? बहुत ज़्यादा. इस वक्त हम लोग अनाउंस नहीं कर सकते नाम, मगर एक बहुत बड़ा एमी विनर एंड टोनी विनर एक एक्टर हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं हॉलीवुड के अंदर. उनका अभी हमने आउटफिट डिजाइन किया है. और कुछ नाम ले ना, कुछ हमें बताएं जरा. मैं उनका नाम ले नहीं सकता जी, क्योंकि अभी हम लोग चले उनका नाम लेने दे, कुछ और नाम. हमने जहाँ तक ब्रुक शील्ड्स जैसे उनके जब उन्होंने रब्ता किया कि उनके लिए हमने कुछ डिज़ाइन करना, वी आर ब्लोन अवे. क्वीन ऑफ बहरेन से लेके यू नो द प्रिंसेसेस ऑफ द यूएई टू पीपल लाइक द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू शोइंग इन फ्रंट ऑफ जॉर्ज बुश. जबरदस्त. तरह तरह के शोज किए हैं जी. जब पाकिस्तान से पाकिस्तान आए थे द रूलर ऑफ चाइना, तो जब उन्होंने शो किया तो तब भी उन्होंने कहा कि हसन आप अपने कपड़े दिखाएं, अपना कल्चर दिखाएं. मैं बहुत खुश होता हूँ जी जब आई गेट दिस अपॉर्चुनिटीज, व्हेन आई कैन शो इन प्लेसेस लाइक लॉस एंजल्स. अभी मैं स्कॉटलैंड शो करने गया हुआ था विद हैरिस ट्वीड, व्हिच इज यू नो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ओल्ड फैब्रिक, जो उन्होंने लास्ट शो उन्होंने किया था विद फेंडी एंड शनेल. और उन जैसे नाम के साथ जब वो HSY के साथ शो करते हैं, फॉर पाकिस्तान इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. इट इज. हम लोग ऑटोमेटिकली फ्रॉम बम गोले एंड रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ टेररिज्म से एग्जाम से हम आते हैं कि वेट, क्राफ्ट, कल्चर, आर्ट, creativity, Pakistan, amazing. And ye hai mera hamesha. This is basically the soft image of the country. Huh? It's the most important image. It's the most important this image of the country. This is the image. If you go sadak pe aap jaye, every single person is doing some kind of craft, some kind of job. They're not sitting and plotting some demise of some. What about Bollywood? Kaun hai aapka bahut zyada prestar wahan pe? Ji main ab kya kahun? Aur kaun kaun nahi hai ye bhi bata. मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि मैं ज़रा अगर सपोर्ट दूंगा तो मैं अपनी इंडस्ट्री को दूंगा. वहाँ के लोग हमें इतनी सपोर्ट नहीं करते हैं, जब वक्त ख़राब हो जाए तो एकदम से बाहर निकाल देते हैं. लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जिन्होंने, मैं सोचता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि मैं उनका नाम भी लूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर वो हमारे वक्त में नाम भूल जाते हैं तो हम उनके अच्छे वक्तों में क्यों नाम याद रखें. अपना काम कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है जी. मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी इंडस्ट्री के नाम रह देते हैं. ज़बरदस्त. तो फिर मुझे ज़रा और बताइए कि और किसने आपके ड्रेस पहने? पता नहीं किस किस के मैं नाम याद रखूँ, मैं तो कभी याद भी नहीं. आपको तो मैंने कभी भी अगर किसी ने पहना भी हो, चाहे वो माहिरा हो या रीमा हो या जो मर्जी हो, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं कि वो मेरे ड्रेस पहन रहे हैं. मैं हर बंदा मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होता है, मगर मेरी रिलेशनशिप लोगों के साथ फ़र्क है. क्यों? जब मैं टुनाइट विद HSY भी कर रहा होता हूँ या लाइव विद HSY कर रहा होता हूँ, मेरे आगे जो लोग बैठे होते हैं यूजली मेरे दोस्त होते हैं. मैंने उनको देखा हुआ है बड़े होते हुए, उनकी उनको बनते हुए. वो मेरे लिए उस तरह स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ नहीं होते. जो जब मैं उनको तैयार भी कर रहा होता हूँ, मेरे लिए स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, वो मेरे दोस्त होते हैं. मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और मैं बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत रखता हूँ. मैं एफर्ट करता हूँ, मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ अपनी दोस्तियों के अंदर. और इन्वेस्ट अंदर सिर्फ एक चीज़ से कर सकता है, वक्त. मैं वक्त निकाल के इन्वेस्ट ज़रूर करता हूँ. मैं उनके साथ रबते में रहता हूँ. मुझे लोगों के साथ ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है.
तो मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन है. ऑफ कोर्स अगर मैडम नूरजहां जैसे कोई जिंदा होती तो वो मेरे लिए होता कि वाह मैंने उनको कभी उनके लिए मैंने कभी कपड़े बनाए तो क्या बात है. वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. जब यहाँ आए प्रिंस विलियम एंड केट मिडलटन और उन्होंने जो लिस्ट निकाली थी उसमें आई थिंक 25 लोगों के नाम थे, उसमें से अगर जहाँ मेरा नाम था वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. ग्रेट कि वो आए और वो मुझसे मिलना चाहिए. बड़ी एक अजीब सी स्टोरी थी. जब वो आए भी मैंने उनको कहा कि मैं मेरी अम्मी मुझे ले गई थी लंदन जब मैं छोटा सा था. हम लोग यहाँ चले गए थे तो जब लेडी डायना की शादी हो रही थी तो हम लोग लंदन में थे और मैं बहुत छोटा सा था और अम्मी ऑफ कोर्स एक वर्किंग क्लास वुमेन थी. वो लाइन में खड़ी थी जिस तरह सारे खड़े हुए थे एंड आप सोच सकते हैं मिलियंस ऑफ लोग लाइनों में. तो अम्मी ने मुझे अपने कंधों पर रखा हुआ था और कहीं कि नजर आया खुद तो देख नहीं सकती थी. मुझे वो लोग खबर थे, मैं ऊपर था तो एकदम से मुझे कैरिज नज़र आई और बहुत जल्दी गुजरी और इतने लोग थे मगर मुझे वो कैरिज बचपन की याद है कि उसके अंदर एक प्रिंसेस थी जो हमें पता था प्रिंसेस है, शायद मेरे दिमाग में भी था मगर ऐसी सेंस ऑफ हाई प्रिस्टीन मुझे कभी ज़िंदगी में याद नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देयर इज अ प्रिंसेस ऑफ ड्रीम्स एंड अ प्रिंस एंड प्रिंसेस हु इज गोना गेट मैरिड एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दिस. वो मुझे याद रहा. उस वक्त तक मैं जब वापस घर आया मैं कागज़ के टुकड़े और कपड़ा काट के अपनी बहन की डॉलों के ऊपर जोड़ जोड़ के ग्लू ग्लू करके मैं प्रिंसेस का वो गाउन बनाने की कोशिश करता रहता था. अम्मी सोचते हैं पागल हूँ मगर मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में वो आया. फिर 1997 में मैं स्कूल में था और प्रिंसेस डायना फौत हुई और बड़ी अजीब सी बात थी कि फौत होने के पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं रूल्स के साथ नहीं, मैं जो मैं चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ उन शैकल से, मैं अपना इंसान बनना चाहती हूँ, मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स बनना चाहती हूँ. 1997 में मेरा पहला साल था स्कूल का और मैं डरा हुआ था फैशन करते हुए और तब मैंने सोचा कि वहाँ मैं उनसे इंस्पायर हुआ था. तब वो शादी कर रही थी और अब वो फौत हो गई हैं और वो फौत होते हुए ये आखिरी वर्ड कह के गई हैं कि बी योरसेल्फ. तो मैं किस चीज़ का डर रहा हूँ, तो मैंने बनना है डिज़ाइनर. तो मैं 1997 में एक साल हो चुका था, 1996 में गया था, 1997 में मैंने अपनी कहा कि मैंने तो डिज़ाइनर ही बनना है, मैंने ये पढ़ रहा हूँ ना अब मैंने बनना ही डिज़ाइनर है और मैंने तब डिसीजन ले ली. जिस दिन ये आए वो मेरी 25 ईयर एनिवर्सरी थी, यानी कि 25 साल हो चुके थे मुझे. और 25 साल पे आप सोचें कि क्या अल्लाह का भी कमाल है कि एक कंप्लीशन हुई कि जिस औरत को देख के मैं इंस्पायर हुआ उससे देख के और उनकी बातें सुन के मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं डिज़ाइनर बनूंगा. आज 25 साल बाद उसी का बेटा और बेटी मेरे आगे खड़े हैं मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए. वंडरफुल. ये एक कमाल सी फीलिंग मेरे स्किन पे मैं खड़ा हुआ था. मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब वो मेरे पास आ रहे थे और मुझे पता था मुझे बात करने आ रहे हैं, मुझे पहले बता चुके थे मगर मैं और वो कह रहे थे कि आपने बस हेलो कहना है. मैं अपने आप मैंने उन्हें नहीं रोक सका. मैंने कहा कि आई एम सॉरी जी, मैं आई नो कि मैंने सिर्फ हेलो कहना था मगर आज ये स्टोरी है. आज आपकी वालदा को मैंने देखा था और आप वहाँ जाके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा. तो ये मेरे लिए बहुत कमाल का एक मोमेंट था, मेरे लिए ज़बरदस्त मोमेंट था. 2018 में आपने हमारी बात भी हुई थी, तब आपने टैलेंटेड यूथ के लिए कुछ रिसोर्सेस अरेंज करने का प्रोग्राम बनाया था. HMP अभी भी मैं करता हूँ जी, HSY मेंटरशिप प्रोग्राम. मैं हर कुछ महीने बाद एक मेंटरशिप प्रोग्राम रखता हूँ जहाँ मैं जो एजुकेटेड यानी कि स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे हों उनके लिए भी और जो ऐसे बच्चे हों जो ना भी पढ़ रहे हों मगर उनके अंदर एक आर्ट, एक हुनर, एक पोटेंशियल हो, उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं. तो कैसे बच्चे ढूंढते हैं आप ऐसे? हम लोग यूजुअली बता देते हैं ऑनलाइन. अब तो होता है ऑनलाइन हर बंदा देख देता है, तो हम लोग यूजुअली ऑनलाइन बता देते हैं. ऑनलाइन की तो उनके पास इतनी तो होना चाहिए कि वो हमें फॉलो कर रहे हों, क्योंकि वो फैशन को फॉलो करेंगे तो फैशन को जानेंगे. वो अपने पोर्टफोलियोज भेजना शुरू कर देते हैं. हम पोर्टफोलियो में बहुत जल्द पता चल जाता है किसके अंदर अच्छी पोटेंशियल है और किसके अंदर नहीं है. लकीर के अंदर ही आपको बड़ा कुछ पता चल जाता है. जब वो बच्चे आते हैं हमें उनको हर चीज़ सिखाता हूँ, अपने पास रखता हूँ 3-4 महीनों के लिए और हम कोई चार्ज नहीं करते. देयर इज नो चार्ज, इज नथिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री. एंड मैं उनको सिर्फ डिज़ाइन नहीं सिखाता, मैं उनको हर चीज़ बताऊँगा. पहले मैं उनसे बातें करूँगा, उनका यार बात करनी किस तरह है, बैठने का लहजा क्या होना चाहिए, किस कॉन्फिडेंस से बोलना है,
क्या याद रखना है बोलते हुए, अपने जब मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। डिजाइन में तो ये जरूरी है ही है, आपने कारीगर से बात किस तरह करनी है, उससे किस लहजे में बात करनी है कि वो आपके लिए काम करना पसंद करे, या आपने काम करवा नहीं सकते। आपने जब बार एडिटर के पास बैठे हैं, आपके साथ भी बैठे हैं, आपने किस तरीके से बात करनी है कि वो याद रखे कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, कि वो आपका इंटरव्यू कर रहा है तो आपने उसकी इज्जत करनी है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। अब वो उस पर से क्या गेन करते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इस वक्त तक जो भी मुझसे यहाँ से निकले उन सबको जॉब्स मिल रही हैं माशाल्लाह से, जबरदस्त, और सब कुछ कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी करता हूँ, मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन है कराची में, मैं उनको मदद करता हूँ, कॉल नाउ PDP। वो गरीब बच्चे जो अंधे होते हैं या किसी तरीके से गूंगे होते हैं, आई गेस ये वर्ड शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो बट हार्ड ऑफ हियरिंग, एंड उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल नीड्स, डिफरेंटली एबल्ड कह लें आप, उनको जाके मैं क्लासेस लेता हूँ उनके साथ, आर्ट क्लासेस, उनको समझाता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ, जितना वक्त मैं उनके साथ गुजार सकता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ से अगर वो बंदा बेहतर सीखना शुरू हो जाए, बड़े हमारे पास एवेन्यूज होते हैं, जैसे कि जो कंपनीज है गुल अहमद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, तरह तरह की कंपनीज चाहती हैं कि वो अपनी डाइवर्सिटी दिखाएं अपने जिन लोगों को हायर कर रहे हैं, पर उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो उनको भी मैं जाके अपना वक्त ज़रूर देता हूँ। जैसे मैंने कहा जी, वक्त जो है ना, जो ये आपका सबसे कीमती चीज है, ये बिल्कुल, ये चाहे दोस्तों के अंदर आपने इन्वेस्ट करना हो या पोटेंशियल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पे डिपेंड करता है। और ये और भी मैंने ज्यादा अब सीखा है इस कोरोना के बाद कि वक्त बड़ा जरूरी है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन पे आप इन्वेस्ट करूँ। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया जी, बड़ा कुछ, अल्लाह का शुक्र है। आज HSY एक छोटा नाम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग नेम, बट अब मुझे अब इससे ज्यादा, आई डोंट नीड मोर देन द नेम नाउ, आई फील लाइक नाउ वक्त वो है जो I should spend this time not just on my name but on making other people also become names, because Pakistan's strength is only if we have more HSYs, more big entrepreneurs. Hasan, aap film kab direct kar rahe hain? Since you are very fond of direction and acting, and I know that you have done theater as well. Maine apni abhi film ki abhi acting abhi shooting khatam ki hai, I'm acting in a movie. क्या नाम है उसका? इशरत, इशरत जी, मैं मोहिब मिर्जा और सनम सईद, उसकी अभी शूटिंग खत्म की है, बड़ा मजा आया। तो वाज इट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म? हाँ जी, फिल्म में तो आई मीन मैंने दो तीन फिल्में की हुई एज HSY, अपना अपने आप बन के आया हुआ हूँ, और बड़े लोगों ने HSY की नकलें भी उतारी हुई हैं फिल्मों में, बट इसमें मुझे मौका मिला कुछ नया कैरेक्टर करने का। अच्छा, क्या रोल है आपका? विलन हूँ जी। कहना नहीं चाहिए, तो सीक्रेट था ये, मगर बहुत मजे का था। मोहिब इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, और उसने उससे जब बात की तो हमने डिसाइड किया कि मैं अपने स्टंट्स सारे खुद करूँगा, क्योंकि बहुत बड़े स्टंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन है इसमें। तो 3 महीने बड़ी ट्रेनिंग की, और बड़े छोटे खाई, बड़ी दफ़ा अस्पताल गया, बहुत मगर बहुत मजा आया। लेकिन स्टंट्स खुद किए? सारे स्टंट्स खुद किए जी, जो भी शॉट है, जो भी आप देखेंगे पीछे से कोई शॉट नहीं है, हाँ सारे शॉट आगे से हैं, ऊपर 40-40 फुट की ऊपर छलांगे मार रहा हूँ, शॉट पकड़ी हुई है, मैं बहुत मजे के, बहुत मजा आया। तो डर नहीं लगा आपको कभी? मैं अगर डर से रुकना होता तो कब का रुक चुका होता। अगर डर कोई चीज एक्चुअली मेरे पास इतनी ज्यादा मुझे अफेक्ट करती तो मैं शायद आपके पास यहाँ भी ना बैठा होता। हाँ जी, डर जो आई थिंक क्या क्या थी फिल्म, और जो जो डर गया वो मर गया, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ जी, मैं घबराता हूँ, मगर बिस्मिल्लाह करके मैं हर काम के अंदर डल जाता हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेलियर होगा, यही होगा ना जी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। ये बड़ी जबरदस्त अप्रोच है, ये बड़ी अच्छी सोच है। व्हाट इज योर मैसेज टू यंग डिजाइनर्स? डोंट फॉरगेट दैट दिस इज एन इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करें काम की सक्सेस के लिए, अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं। बिकॉज जहाँ अपनी पर्सनल सक्सेस पर काम करना शुरू होंगे और खुद फेमस होना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपका काम पीछे रह जाएगा, और फिर आपकी कामयाबी जो है आगे नहीं चल सकी। लंबे दौड़ का घोड़ा, लंबी दौड़ का, उसकी टू हैव लॉन्गजेविटी आपको अपने काम के अंदर इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर काम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आपके कौम के मुल्क डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल आपकी वापस रिस्पेक्ट करेंगे। आज मेरा मैं यहाँ हूँ इसलिए नहीं कि मैं जो बनाता हूँ कोई और नहीं बना सकता, बहुत लोग बना सकते हैं,
मेरे पास ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, ऐसा कोई खास टांका नहीं है जो कोई और कॉपी नहीं कर सका, बड़े लोग कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक लोग आपकी तब इज्जत करते हैं जब आप अपने काम की इज्जत करें और अपने काम के अंदर वो तवज्जो रखें जो दूसरे लोग देख के अप्रिशिएट करके उसको एम्यूलेट करना चाहें। In anything that you do, you must remember that you must respect the very ground that you're walking on. And the opportunities, baar-baar nahi aati. Ek dafa aati hai. You must grab it. Devotion is always needed, no? Absolutely. Har cheez ke andar. From everything, from being a good son, to being a good friend, to being a good designer, to being a good at anything. If you're devoted to what it is that you do, Allah will give you success. Thank you so much, Hasan. It was really a wonderful interview. Thank you, Ji.